सो हेलो एवरीवन, मैं हूं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं आरके इंजीनियरिंग। तो आज के इस वीडियो में हम डालमिया डीएसपी के बारे में संपूर्ण रिव्यू जानेंगे और साथ ही जानेंगे ये डालमिया डीएसपी हमारे ढलाई के लिए अच्छा है या नहीं, इसका डेट टाइम एक्सपायरी डेट कैसे देखते हैं, मैन्युफैक्चरिंग डेट कैसे देखते हैं और साथ ही देखेंगे कि इसमें बैच नंबर कितना ज़रूरी है। तो आइए वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, डालमिया सीमेंट मिस्टर जयदयाल डालमिया ने बनाई 1939 ईस्वी में और इसको इस प्रकार से कंस्ट्रक्शन किया गया, इसको मिलावट इस प्रकार से की गई कि ढलाई के लिए ये बहुत ही बेहतर बन सके। बोरे पर हम सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे कस्टमर केयर का नंबर लिखा हुआ है और उनका ईमेल एड्रेस भी दिया हुआ है। इसमें किसी भी प्रकार का दिक्कत होने से आप इसमें कॉल कर सकते हैं, टोल फ्री नंबर है और इसके वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। डालमिया डीएसपी को ढलाई का एक्सपर्ट माना जाता है। तो अब हम बोरे को उलटते हैं और उस पार देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लिखा हुआ है बोरे के ऊपर में पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट। ये बिल्कुल ही पीएससी सीमेंट है, इसमें किसी भी प्रकार का कंपोजिट नहीं किया गया है। ये 50 kg का बोरा आता है और इसमें पहले वीक, फिर मंथ और इसके बाद ईयर दिया रहता है। यहाँ पर इसका हेड ऑफिस दिया गया है जो कि डालमियापुरम तमिलनाडु में है और ये झारखंड के बोकारो में भी इसका ब्रांच ऑफिस बना हुआ है। यहाँ पर देख रहे हैं कि आप OSRM L01 इसका बैच नंबर दिया हुआ है। तो इस प्रकार से भी ये सीमेंट बिल्कुल ओरिजिनल है। यहाँ पर इसका ISI मार्क का जो है नंबर दिया हुआ है और इसमें नो हुक का मार्क दिया हुआ है। दोस्तों, आप बोरा को जो है, जब न्यू बोरा आता है करेंट डेट का, तो आप इसे छूकर महसूस कर सकते हैं ये बिल्कुल गर्म है, क्योंकि जब ये बनता है तो इसे 450 डिग्री सेल्सियस पर हीट करके ही इसको तैयार किया जाता है। तो आइए अब हम देखते हैं कि इसका डेट हम कैसे देखना जाने। दोस्तों, सबसे पहले इसमें ₹550 इसका दाम लिखा हुआ है। इसके बाद इसमें वीक लिखा हुआ है 23 और छठा महीना इसमें 06 लिखा हुआ है और ये 2022 का माल है। इसमें 61% जो है स्लेग की मात्रा मिली रहती है और ये बहुत ही बेहतर सीमेंट माना जाता है ढलाई के लिए। तो आइए दोस्तों, अब हम इसके बारे में विशेष चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों का बार बार कमेंट आता रहता है कि कौन सा सीमेंट PSC है और कौन सा सीमेंट PPC है, कुछ समझ में नहीं आता है। तो यहाँ पर आपको बोरा में ही देखना है कि क्या लिखा है। पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट जिसमें लिखा है वो PSC सीमेंट है, जिसमें पोजोलोना पोर्टलैंड सीमेंट लिखा हुआ है वो PPC सीमेंट है, जो कि जुड़ैया के कार्य में आएगा, और ये जहाँ पर PSC सीमेंट लिखा हुआ है वो ढलाई के काम में आएगा। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर आपको पसंद लगा हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मेरा वॉच टाइम फुल हो चुका है और सब्सक्राइबर में कुछ कमी रह गई है। इसीलिए आप लोगों से आग्रह है कि आप मेरे वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।